अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर वी फाइन। सो टुडेज लेक्चर इज रिलेटेड टू द एस्कोमाइकोटा। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट यीस्ट। यीस्ट क्या है? एस्कोमाइकोटा के एक एग्जांपल है। तो आज हमने यीस्ट को पढ़ना है इन डिटेल। सो लेट्स सी दैट व्हाट इज द यीस्ट। यीस्ट क्या है? यीस्ट इज द यूनिसेलुलर नॉन हाइफल फंजाई। यीस्ट क्या है? यीस्ट एक यूनिसेलुलर नॉन हाइफल फंजाई है जिसके अंदर हाइफे मौजूद नहीं होता है। अब इसको किंगडम फंजाई के अंदर क्यों रखा गया है? दे आर प्लेस्ड इन इन किंगडम फंजाई। हम ये जानते हैं कि यीस्ट को किंगडम फंजाई के अंदर रखा गया है। अब इसको किंगडम फंजाई के अंदर क्यों रखा गया है? बिकॉज दे आर ओरिजिनली ड्राइव्ड ड्राइड फ्रॉम मल्टी सेलुलर एंसेस्टर। इनके जो एंसेस्टर थे वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर मौजूद थे। तो ये जो है यीस्ट भी वहाँ से ही, इनके जो मल्टी सेलुलर एंसेस्टर हैं वहीं से यीस्ट को ड्राइव किया गया है। मोस्टली ऑफ विच आर उनमें से ज़्यादातर क्या थे? उनमें से ज़्यादातर थे एस्कोमाइसीड्स। तो ये हमने जाना अबाउट द यीस्ट। यीस्ट क्या है? यूनिसेलुलर नॉन हाइफल फंजाई है। इसको किंगडम फंजाई के अंदर रखा गया है क्योंकि इनके जो एंसेस्टर थे, क्योंकि ये जो फंजाई यीस्ट है इसको ड्राइव किया गया है, इनके मल्टी सेलुलर एंसेस्टर थे। जो इनके जितने भी मल्टी सेलुलर एंसेस्टर थे वो ज़्यादातर क्या थे? वो ज़्यादातर एस्कोमाइसीड्स थे। इसलिए जो है इसको किंगडम फंजाई की क्लास एस्कोमाइकोटा के अंदर रखा गया है। अब जानते हैं इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर होती है बाय असेक्सुअल। इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है इज़ असेक्सुअल। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है इसका रिप्रोडक्शन होती है दैट इज़ बाय बडिंग। इनके अंदर रिप्रोडक्शन असेक्सुअल होती है और बडिंग के प्रोसेस से। हम प्रीवियस लेक्चर में बडिंग का प्रोसेस जान चुके हैं क्या होता है, कि जिससे जो है रिप्रोडक्शन बाय बड के थ्रू जिसके अंदर रिप्रोडक्शन हो वो प्रोसेस कहलाता है बडिंग। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक यीस्ट मौजूद है जिसके आगे एक बड मौजूद है। अब क्या होगा? इससे जो है आगे एक यीस्ट जो है वो फॉर्म होगी और ये जो है चेन की सूरत में फॉर्म होगी। ये चेन का स्ट्रक्चर जो है यीस्ट का प्रेजेंट है। तो इसकी रिप्रोडक्शन होती है असेक्सुअल बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। बडिंग के प्रोसेस से इसकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। समटाइम काफ़ी मरतबा क्या होता है, जो यीस्ट है यीस्ट के सेल है वो खुद को फ्यूज़ कर लेते हैं एंड यीस्ट सेल फ्यूज टू फॉर्म और फ्यूज होकर फॉर्म करते हैं एस्कस। अब आगे फिर एस्कस क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस एस्कोस्पोर। काफ़ी मरतबा क्या होता है, यीस्ट सेल खुद को फ्यूज़ कर लेते हैं और फ्यूज़ करके वो फॉर्म करते हैं एस्कस। फिर आगे वो एस्कस ही क्या करते हैं? एस्कोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये एस्कस क्या है। सो लेट्स सी कि ये किसे कहते हैं। इट इज़ अ सेक। ये एक सेक नुमा जो है सिलेंड्रिकल शेप प्रेजेंट होती है यीस्ट के अंदर। अ सेक सिलेंड्रिकल शेप इन विच द स्पोर ऑफ एस्कोमाइसीट जिसके अंदर क्या होता है? एस्कोमाइसीट के स्पोर फंजाई डेवलप। काफ़ी मरतबा जो है यीस्ट सेल फ्यूज होकर फॉर्म करते हैं एस्कस, जो एस्कोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं। अब एस्कस हमने जाना क्या है? ये एक सिलेंड्रिकल शेप है जिसके अंदर क्या होता है? एस्कोमाइसीट जो फंजाई है उसके स्पोर जो है डेवलप होते हैं। तो ये हमने जाना अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ यीस्ट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ यीस्ट। अब हमने जानना है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ यीस्ट, के यीस्ट जो है वो किस तरीके से इम्पोर्टेंस क्या है उसकी और कहाँ कहाँ पर यीस्ट यूज़ की जाती है। सो लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ यीस्ट। सबसे पहले जो इसकी इम्पोर्टेंस है, जो यहाँ पर यीस्ट यूज़ की जाती है, डैट इज़ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए यीस्ट को यूज़ किया जाता है। और फर्मेंटेशन किसकी? फर्मेंटेशन ऑफ
कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन के लिए यीस्ट यूज़ की जाती है एंड इट विल प्रोड्यूस, और जब फर्मेंटेशन होती है कार्बोहाइड्रेट की, यह प्रोड्यूस करती है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड में जो इसकी इम्पोर्टेंस है, इट इज़ यूज्ड इन ब्रेड, बियर एंड वाइन इंडस्ट्रीज। अब ये जो है, इसके अलावा ब्रेड की इंडस्ट्री में, बियर एंड वाइन बनाने की इंडस्ट्रीज में भी यीस्ट को यूज़ किया जाता है। इसकी हेल्प से जो है ये सब चीज़ें प्रिपेयर की जाती हैं। अब इसके अलावा एक फंजाई है, डेट इज़ कैंडिडा एल्बिकेंस। अब ये क्या है, ये एक यीस्ट है, अ यीस्ट डैट कॉज कॉमन वैगिनर इन्फेक्शन। ये यीस्ट क्या करती है, वैगिनर इन्फेक्शन जो है वो इसकी वजह से होता है, इस यीस्ट की वजह से होता है। अब जब ये इन्फेक्शन होता है, इस इन्फेक्शन के दरमियान में क्या होता है, ये इन्फेक्शन कॉज करता है, इट कॉजेज इरीटेशन। इसके ज़रिए जो है इरीटेशन कॉज होती है, और इसके अलावा जो है इंटेस्टाइन के अंदर इचनेस फील होती है, और ये जो है इरीटेशन इस वजह से कॉज होती है, वैगिनर इन्फेक्शन की वजह से। सो इट वॉज अ सिंपल लेक्चर अबाउट द यीस्ट। यीस्ट के हमने इंट्रोडक्शन के बारे में जाना कि एक यूनिसेलर नॉन हाइफर फंजाई है, और इसको किंगडम फंजाई के अंदर इसलिए रखा गया है क्योंकि इनके जो मल्टीसेलर ड्राइव की गई है ये अपने मल्टीसेलर एंसेस्टर से, इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो असेक्सुअल है, जो कि बडिंग के प्रोसेस के जरिए होती है। काफ़ी मतलब क्या होता है कि यीस्ट सेल खुद को फ्यूज करके फॉर्म करते हैं एस्कस, जो कि एस्कोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमने जाना कि एस्कस क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप है जिसके अंदर स्पोर ऑफ एस्कोमाइसिट फंजाई डेवलप होते हैं। इसके बाद हमने जाना अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ यीस्ट। यीस्ट जो है फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज़ की जाती है, जो प्रोड्यूस करती है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसके अलावा ये बियर, ब्रेड और वाइन इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज़ की जाती है। इसके अलावा हमने जाना अबाउट कैंडिडा एल्बिकेंस, जो क्या है, एक यीस्ट है जो कि एक डिजीज़ कॉज करते हैं, एक इन्फेक्शन कॉज करते हैं, डेट इज़ वैगिनर इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन से क्या होता है, इट कॉज इरीटेशन एंड इंटेस्टाइन इचनेस। देयर इज़ अ बेकर्स यीस्ट अंडर द माइक्रोस्कोप। इसके आप फ्रंट पे जो है वो देख सकते हैं, बड मौजूद है जिसके प्रोसेस के जरिए ये बडिंग करते हैं। ये जो है एक बेकर की यीस्ट है अंडर द माइक्रोस्कोप। इसके साथ आप ये भी देख सकते हैं कि ये कॉलोनी फॉर्म करके भी रह रहे हैं, और इसके साथ साथ ये सिंगल भी रहते हैं। तो इसकी जो है प्रोसेस होता है बाय बडिंग। सामने जो है इसका पिक्चर मौजूद है, उसी के ज़रिए इसकी बडिंग होती है। सो दिस वॉज अ सिंपल लेक्चर अबाउट यीस्ट। आई होप कि आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।